क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 7। आकृति 6.60 में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज डी पी बी। दूसरा नंबर में सिद्ध करना है ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू डी पी। ये दो चीज़ सिद्ध करना है, दिया हुआ है ए बी तथा सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं यानी कोर्ड्स हैं जो परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है ए पी सी समरूप त्रिभुज डी पी ई, दूसरा नंबर में ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू डी पी। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक वृत्त बनाइए जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए ये टेढ़ा भी आपसे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक वृत्त बना लिया, इसकी दो जीवाएं, चलिए दो जीवाएं जिस तरह से किताब में दिया है उस तरह से आप बना लेंगे। एक है ए बी, ए बी और दूसरा है सी डी। ये है सी और डी, ये परस्पर वो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर मिला दीजिए। चलिए मिला दिया। अब हम प्रमाण में चलते हैं, जो दोनों त्रिभुज हमको समरूप सिद्ध करना है वो दोनों त्रिभुज को सबसे पहले एक बार लिख दीजिए। त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज डी डी पी ई में, ये दोनों त्रिभुज में समरूप सिद्ध करने के लिए कोई दो कोण या तीन कोण आपको बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक कोण देखिए, एक कोण यहाँ और ये दोनों कोण, दोनों त्रिभुज में ये दोनों सम्मुख कोण है यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमेशा बराबर होते हैं। यानी यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। उस हिसाब से चलिए इसका हम नाम रख देते हैं कोण एक बराबर कोण दो। चलिए कर देते हैं कोण एक बराबर कोण दो, यहाँ आप लिख दीजिए शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए अब दूसरा कोण क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक कोण देखिए और ये भी एक कोण देखिए, ये दोनों कोण भी बराबर है। अगर आप क्लास 9th का कुछ याद रखे हैं तो आपको याद होगा कि किसी भी वृत्तखंड में बना हुआ जितना भी कोण होता है वो बराबर होता है। यहाँ समझिए, मान लीजिए ये वृत्त है, इसमें हम ये जीवा काट देते हैं, इस पर हम कोण यहाँ से बनाएंगे, एक कोण दूसरा कोण यहाँ से बनाएंगे, ये दोनों कोण बराबर होगा। और एक कोण यदि हम यहाँ बना दें तो ये भी बराबर होगा, यानी एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ इसको हम मान लेते हैं, अगर एक रेखा होता, ये अगर जीवा होता तो इस पर दो कोण बने हुए हैं तो ये दोनों कोण बराबर होगा। चलिए इसका नाम रख देते हैं कोण तीन, इसका रख देते हैं कोण चार। कोण तीन बराबर हो गया कोण चार, यहाँ पर आप लिखिए एंगल्स इन सेम सेगमेंट इन ए सर्किल या वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक कोण लिख देते हैं, ये चार हो गया, इसको पाँच लिख देते हैं, इसको छः लिख देते हैं। कोण पाँच बराबर कोण छः होगा, कोण पाँच बराबर कोण छः, ये भी सेम वही एक ही वृत्तखंड के कोण है। चलिए इसीलिए आप दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसीलिए त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज डी पी ई, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया एंगल 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 समरूपता से। एक नंबर प्रूफ हो गया, अब दो नंबर हम प्रूफ करते हैं। दो नंबर में प्रूफ करना है क्या, ये ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू डी पी। देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, तो हमको करना है क्या, सबसे पहले सिद्ध ए पी, तो हम देखिए ए पी बाई क्या लेंगे दूसरा त्रिभुज में ए पी। अब देखिए कि ए पी किस कोण के सामने की भुजा है, ये कोण पाँच के सामने की भुजा है, तो कोण पाँच के बराबर का यहाँ पर कोण है कोण छः है यहाँ पर, और कोण छः के सामने की भुजा क्या है डी पी है, तो ए पी बाई डी पी बराबर सी पी। देखिए सी पी यहाँ पर है ना, सी पी बाई क्या लेंगे सी पी, देखिए कोण तीन के सामने की भुजा सी पी है और तीन के बराबर का कोण चार है, चार के सामने की भुजा क्या है, यह है आपका पी बी। चलिए यहाँ लिखिए पी बी, अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास रिजल्ट आएगा ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू डी पी। ये प्रूव हो गया दूसरा नंबर।
देखिए कितना आसान है।